इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग। तो आंसर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पार्ट, मतलब कि डिमांड क्या होता है, एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग। तो बेसिकली इकोनॉमिक में डिमांड मतलब क्या होता है, विलिंगनेस टू बाय एंड कैपेसिटी टू परचेस, सॉरी कैपेसिटी टू पे। बेसिकली दिस बोथ कंडीशन शुड बी फुलफिल, ओके, फॉर डिमांड। तो अगर मार्केट में हम गए, ठीक है, हमारी इच्छा हुई कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने की, बट अगर हमारे पास पैसे नहीं रहे तो वो डिमांड नहीं होता, या फिर हमारे पास पैसे हैं बट हमारी इच्छा नहीं हुई प्रोडक्ट खरीदने की तो भी डिमांड नहीं है। तो इकोनॉमिक में डिमांड का मतलब क्या, कि हमें प्रोडक्ट पसंद आया, दैट इज़ विलिंगनेस टू बाय एंड कैपेसिटी टू पे। हमें प्रोडक्ट पसंद आया और हमने उसे परचेस भी किया और शॉपकीपर को पैसे भी दिए, तो दैट इज़ कॉल्ड डिमांड इन इकोनॉमिक। एस्टिमेशन अंदाज़ा लगाना, फोरकास्टिंग फ्यूचर प्लानिंग, ओके। सो डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग मीनिंग क्या है, डिमांड फोरकास्ट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ओके। एस्टिमेशन किसका है, हम लोग एस्टिमेशन अजम्पशन किसका कर रहे हैं, फॉर द प्रोडक्ट, फॉर अ फ्यूचर पीरियड। फ्यूचर पीरियड में ये डिमांड फोरकास्टिंग कितनी होगी उसका हमें पता लगाना होता है। तो बेसिकली मॉडर्न इकोनॉमी किस पे बेस्ड होती है, डिमांड पे, क्योंकि डिमांड जो है प्राइमरी फैक्टर है, क्योंकि विदाउट डिमांड इकोनॉमिक नहीं चलेगी, डिमांड होगा नहीं तो प्रोड्यूसर के पास इनकम कैसे आएगी। इसलिए ये चैप्टर है, दैट इज़ डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग। सपोज़ कोई ये है प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर ने बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज, क्या किए, प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, बट अगर उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस प्रोड्यूसर के पास फिर इनकम नहीं आएंगे, फिर वापस इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इकोनॉमिक में, और फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, और जीडीपी पे भी असर जाएगा। इसलिए डिमांड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक में, सो दैट इसका फोरकास्टिंग और एस्टिमेशन इज़ मस्ट। एंड नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर विद द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, हाउएवर एवरी फर्म ट्राइज टू ऑब्टेन अ फोरकास्ट, ओके, एज प्रेसाइज एज पॉसिबल, ठीक है। अब ये तो बहुत सीधी बात है कि कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, क्योंकि अगर हम देखें कि डिमांड जो है बहुत सेंसिटिव चीज़ है, लोगों का मतलब जो पर्सन है ह्यूमन, उनका जो डिमांड है वो तो चेंज होता रहता है, तो एक सर्टन एब्सोल्यूट हम ये नहीं अचीव कर पाते, दैट इज़ रिजल्ट डेटा, बट स्टिल फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेशन इज़ मस्ट, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग विल बी इंटरेस्टेड टू नो द डिमांड फॉर इट्स वेरियस प्रोडक्ट लाइक टीवी, फ़ोन एंड फ्रिज एक्सेट्रा फॉर द फ्यूचर पीरियड इन ऑर्डर टू प्लान इट्स स्ट्रैटेजी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जो लिखे हैं हमने, राइट। अब सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, तो डिमांड फोरकास्ट आर सिग्निफिकेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, प्रोडक्ट प्लानिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग, सेल्स प्लानिंग एंड प्राइस प्लानिंग, ओके। सो सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, दैट इज़ सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। बेसिकली प्रोड्यूसर को डिमांड फोरकास्टिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए डिमांड एस्टिमेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो प्रोडक्ट मतलब सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट तो होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है, और प्लानिंग के लिए डिमांड फोरकास्टिंग ज़रूरी है, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फ्यूचर में डिमांड होगी या नहीं होगी, वरना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। तो डिमांड फोरकास्ट आर द एसेंशियल टू प्लान फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इन्वॉल्व द जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड ऐसा पीरियड होता है लाइक जो जैसे कि कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो गुड्स बनाना चाहता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो ये जो जून जुलाई चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अभी जून जुलाई अगस्त जो भी है सारी चीज़ें, ये टाइम पीरियड, तो इनपुट्स
लाइक जो भी उसके पास इनपुट्स है उसको मैनेज करने में, फिर एक फिनिश गुड्स बनने में टाइम लगता है, ठीक है, 4 महीने 6 महीने 1 साल टाइम लगता है। तो ये जो आउटपुट निकलेगा, ठीक है, आफ्टर सम पीरियड, तो ये आउटपुट, तो ये बीच का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, दैट इज़ कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ओके, जेस्टेशन पीरियड इसको ही बोलते हैं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग जो है जेस्टेशन पीरियड भी इन्वॉल्व करता है। तो जेस्टेशन पीरियड में हो सकता है इन्फ्लेशन आ जाए, इसलिए फोरकास्टिंग करके रखना ज़रूरी है कि फ्यूचर में डिमांड होगी कि नहीं होगी। एंड द सेकेंड वन, रिसोर्सेज प्लानिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट टू हैव टू बी मेड टू प्रोक्योर फाइनेंस, ओके, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल एंड द अदर सोर्सेज। अब जो फाइनेंस है, ठीक है, मनी, इनकम, रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट पहले से ही करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है, अगर हमने फ्यूचर में अगर लाइक टी शर्ट प्रोड्यूस करना है किसी प्रोड्यूसर को, ठीक है, तो फ्यूचर में इसकी डिमांड होगी कि नहीं होगी, फोरकास्टिंग करके रखा है हमने। अगर होगी तो रिसोर्सेज प्लानिंग भी करना होगा इन एडवांस में। क्यों? क्योंकि फाइनेंस किधर से आएगा, इंस्टीट्यूशनल, राइट, ये सारे अदर सोर्स भी होने चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। एंड थर्ड वन, सेल्स पॉलिसी। तो ये जो सेल्स पॉलिसी होती है, ये क्या होती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है। क्यों? क्योंकि अगर सेल्स नहीं होगा, और सेल्स किस पे डिपेंड होता है, डिमांड पे, ठीक है, तो डिमांड नहीं होगा तो सेल्स भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो सेल्स क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सेल्स है प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो डिमांड फोरकास्टिंग कैन हेल्प, तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या करती है, सेल्स पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करती है, ठीक है, इफेक्टिव सेल्स पॉलिसी एंड देयरफॉर टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू। यस, अगर मुझे पता है लाइक कोई पर्टिकुलर एरिया है, इसका फोरकास्टिंग किया मैंने, और मुझे पता है कि अभी 22 चल रहा है, ठीक है, 24 में यहाँ पे डिमांड कुछ ज़्यादा होने वाली है टी शर्ट प्रोडक्ट की, जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और कर रही हूँ, ठीक है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, लाइक अभी 500 है और इन फ्यूचर कुछ 1000 होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सेल्स प्लानिंग हो गई, ये प्राइमरी सोर्स है। तो ये जो मैंने एस्टिमेशन किया, कहाँ से किया, डिमांड फोरकास्टिंग से ही किया। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या करती है, हेल्प करती है फॉर्मुलेट करने के लिए सेल्स पॉलिसी। अगर मुझे पता है फ्यूचर में 1000 डिमांड होने वाली है, तो पहले से ही मैं रिसोर्स प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग करके रखूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, डिमांड फोरकास्टिंग का ये बेनिफिट होता है प्रोड्यूसर को। एंड लास्ट वन, प्राइस पॉलिसी। यस, अब ये प्राइस पॉलिसी जो होती है, डिमांड फोरकास्ट कैन हेल्प द बिजनेस टू फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट प्राइस पॉलिसी। यस, प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस किया, तो अभी मैंने फोरकास्टिंग किया है, ठीक है, और मुझे पता है इधर पे लोगों की इनकम लेवल क्या है, ठीक है, लोग कितना अफोर्ड कर पाएंगे, रीजनेबल प्राइस कितनी रखनी है मुझे, ये सब फोरकास्टिंग में मैंने इंक्लूड किया। तो मुझे एस्टिमेशन हो जाएगा कि ठीक है, पर टी शर्ट ये लोग क्या करेंगे, पर टी शर्ट ये लोग 200 पे कर सकते हैं, ठीक है, एस्टिमेशन। तो अब मैं जो भी बनाऊंगी प्रोडक्ट, उसकी जो प्राइस रखूंगी वो 200 रखूंगी, क्योंकि मैंने एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग करके रखी है डिमांड की। अगर मैंने बहुत ज़्यादा प्राइस रखी, लाइक 1000 2000, तो लोग परचेस नहीं करेंगे, इन्वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, राइट। इसलिए प्राइस पॉलिसी, ये जो डिमांड फोरकास्टिंग है, ये हेल्प करता है, दैट हेल्प करता है किसको, प्रोड्यूसर को, टू फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट प्राइस पॉलिसी। ओके, सो दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, और वी कैन से दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग हम पढ़ लेते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, फर्स्ट वन इज पैसिव डिमांड फोरकास्टिंग, सेकेंड वन एक्टिव एंड द लॉन्ग टर्म, ठीक है, फॉरकास्ट फॉर टोटल मार्केट, फॉर मार्केट सेगमेंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। तो ये बहुत सिंपल आंसर है, बेसिकली देखते हैं हम इसमें। पैसिव, देखो नेम इज सजेस्टिंग, दैट इज़ दिस टाइप ऑफ फोरकास्ट इज पैसिव, दैट इज़ फोरकास्ट ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सिचुएशन विद द एग्जिस्टिंग एक्शन और पॉलिसी ऑफ द फर्म। मतलब जो फर्म में पहले से ही पॉलिसी है, और जो भी डेटा पहले से ही है, उसके बेसिस पे ही हम फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। मतलब सेकेंडरी डेटा, व्हाट सेकेंडरी डेटा, मतलब किसी ने पहले से ही सारी डेटा वगैरह, एस्टिमेशन, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड करके रखा है, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं, दैट इज़ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पैसिव, मतलब उन्होंने कुछ नई आइडियाज़ नहीं लेके आई, और कुछ नई डेटा, दैट इज़ प्राइमरी डेटा नहीं लेके आई, और ना ही
ये सर्वे वगैरह किया, ठीक है, कुछ नहीं। ये क्या होता है, पैसिव डिमांड फोरकास्टिंग होता है, ठीक है। फोरकास्ट किया, फ्यूचर प्लानिंग किया फॉर द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ओके, बट इन अ पैसिव मैनर, ओके, दैट इज़ जो भी अवेलेबल है उसी पे काम किया, ठीक है। सेकेंड वन, एक्टिव डिमांड फोरकास्ट, तो नेम इज़ सजेस्टिंग दैट इज़ दिस वन इज़ एक्टिव डिमांड फोरकास्ट। तो इफ़ योर बिजनेस इज़ इन ग्रोथ फेज और इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग इज़ गुड चॉइस, ठीक है। एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग इन द सेंस लाइक मिस्टर ए फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, अभी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, ठीक है, अब ये मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, तो इन्होंने फोरकास्टिंग किया, तो इन फ्यूचर उनको लगा कि हमें कुछ और भी प्रोडक्शन में ऐड करना चाहिए, एक्टिवली कुछ नई आइडियाज़ लेके आने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, डस्टर भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है, कुछ नई आइडिया सोची, कुछ नया इनिशिएशन लिया इन्होंने, राइट, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग। तो फॉर डस्टर के लिए इनको प्राइमरी डेटा निकालनी होगी, मतलब खुद इनको सर्च वगैरह करना होगा, दैट इज़ एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग। एग्जिस्टिंग डेटा पे डिपेंड नहीं है, ये डस्टर प्रोड्यूस करने के लिए इनको लाइक जो मिस्टर ए हैं कुछ नई डेटा निकालनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव, ओके, एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग। फॉर डिमांड फोरकास्टिंग इन द सेंस डिमांड की जो एस्टिमेशन है फ्यूचर प्लानिंग के लिए करते हैं हम। एंड थर्ड वन, टोटल मार्केट एंड मार्केट सेगमेंट। टोटल मार्केट का मतलब क्या होता है, पूरी मार्केट, ओके, और मार्केट सेगमेंट का मतलब होता है डिवीजन, दैट इज़ स्पेसिफिक कि आप डोमेस्टिक मार्केट में ही फोरकास्टिंग करना चाहते हो या फिर फॉरेन मार्केट में फोरकास्टिंग करना चाहते हो या ओवरऑल फोरकास्टिंग करना चाहते हो। तो ये है, डिमांड फोरकास्ट मे बी मेड फॉर द टोटल मार्केट एज वेल एज मार्केट सेगमेंट लाइक डोमेस्टिक मार्केट और द फॉरेन मार्केट, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग होता है, राइट। मार्केट सेगमेंट इन द सेंस स्पेसिफिक एरिया होती है, स्पेसिफिक मार्केट होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स इनकम और फाइनेंशियल कंडीशन। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो वो टोटल मार्केट डिमांड करेगा, मतलब उसका हर इंडिया के पूरे मार्केट में, पूरे स्टेट में प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। बट अगर प्रोड्यूसर बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो वो सिर्फ इंडिया में ही करेगा, और अच्छी कंडीशन है तो फॉरेन कंट्री में प्लस इंडिया सब जगह करेगा, टोटल मार्केट, ओके, ओवरऑल मार्केट में करेगा, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये चीज़ें होती हैं, ये फोरकास्टिंग होता है बेसिकली। एंड द फोर्थ वन, लास्ट वन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट हेल्प्स द फर्म टू टेक डिसीजन विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, येस, एज वेल एज विद इन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, और इट मे बी अंडरटेकन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जिसके मतलब बहुत लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होता है या फिर एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है उनकी, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, और ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली के लिए चलता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जो लॉन्ग टर्म है, तो नेम सजेस्ट कर रहा है, ये जो लॉन्ग टर्म है इज़ फॉर, ये जो होता है बेसिकली न्यू कंपनी और एक्सपांडिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस, राइट। जैसे कि मैंने मार्कर का एग्जाम्पल दिया था, तो मार्कर बना रहा है प्रोड्यूसर, फिर डस्टर भी बना रहा है, कुछ टाइम बाद वो वाइट बोर्ड भी बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मार्केट में जो है बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, दैट इज़ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। अगर बिजनेस को मैं चाहती हूँ, बेसिकली होता है कि अगर लॉजिक बताऊँ तो ये जो शॉर्ट टर्म होता है ना, शॉर्ट टर्म बिजनेस, वही अगर अच्छे से चल रहा है, ठीक है, अगर लॉजिक देखें तो शॉर्ट टर्म जो बिज़नेस होता है दैट इज़ फॉर हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली के लिए होता है, अगर वो बहुत अच्छे फेज़ में चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उस ग्रोथ हो रहा है पर्टिकुलर बिजनेस में, तो वही लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जिसे हम मार्केट एक्सपांडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया, तो वो हाफ ईयरली या ईयरली के लिए वो मार्कर बना रहा है, बट बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो वो डस्टर भी बनाने लगेगा और वाइट बोर्ड भी बनाने लगेगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद बेंचेस भी बनाने लगेगा। तो ये क्या है, मार्केट एक्सपांड होती है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, आई होप समझा होगा, थैंक यू सो मच।